आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा सा यार देर हो गई आज किन्हीं कारणों से तो अब जरा बस क्वेश्चन लग जाए, पानी बहुत तेज हो रहा था। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग लिटिल वुड, कैसे हैं? तो गौतम, संदीप, आर्या, अमित, दिव्यांशु, विवेक, बहुत बहुत नमस्कार। शेयर कर दो तब तक, जब तक ये क्लास लग रही है, क्वेश्चन लग रहे हैं, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। और बहुत शानदार क्लास होने वाली है, वो चीज़ें आप सीखोगे जो आपको प्रोबेबिलिटी में यानी प्रायिकता में दिक्कत देती थी। बड़ा मजा आएगा, आप देखना चाहें तो। तब तक शेयर कर दीजिए फटाफट। जय श्री राम, जय श्री राम। अश्विनी सिंह जी, गुड इवनिंग भाई। उमेश जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। फटाफट से शेयर कर दीजिए। सिक्के वाले आ गए, लगा दो, लगा दो, लगा दो, सब देखते हैं। और भाई जानते हो, आपको ये बताएं कि इस क्लास को तैयार करने में, क्वेश्चन निकालने में, अरेंज करने में, क्लासिफाइड करने में मुझे लगा समय लगभग लगभग 4 घंटे। और 4 घंटे का मटेरियल मैं आपको जो है एक निश्चित समय अंतराल पर दूंगा, तो समझिए कितना समराइज होगा और कितना जो है वेल अरेंज्ड होगा। ठीक है, हाँ, नमस्कार, वो लाओ। तो पहले तो फटाक से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों से निवेदन है फटाफट जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्कार। कमल किशोर, कॉमेडी किंग, रविंद्र कुमार, ठीक है, चलो ठीक है, लिखना ही है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी की हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब जानते हो सबसे बड़ा प्रश्न इसकी शुरुआत में ये आता है, जब इसको सिखाया जाता है या सीखने की बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, सबसे पहला, जिसको समझने में ही बड़ा समय लग जाता है कि ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहला प्रश्न ही आता है। तो अगर आप में किसी को पता है कि क्या होती है तो बताइए, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ताश वाला समझ नहीं आता है, सब कुछ समझ में आएगा, सब्र रखो, ध्यान से देखो, सब चीजें समझ में आएंगी। ये आपको पता चलेगा कि पेपर में किससे प्रश्न ज्यादा आते हैं, सब कुछ। अब समझिएगा कि छोटा सा शुरुआत कर रहा हूं यहां से कि प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहला प्रश्न। मौसम विभाग आज से 5 दिन पहले डेली ये बात कह रहा था कि आज बारिश हो सकती है। क्या कह रहा था? कि आज बारिश हो सकती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सोचोगे सर कि क्या लिख रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। हालांकि यहां तो हो रही है, लेकिन आप, मैं प्रोबेबिलिटी की बात आपको बता रहा हूं कि ये क्या होती है, आज बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, ये तो मैं जान रहा था कि सब लोग ये बात कहने वाले हो कि सर संभावना होती है, संभावना होती है, संभावना होती है। ध्यान से सुनिएगा, आज बारिश हो सकती है, इस बात का मतलब ये निकलता है मेरे मित्र कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दो बातें यहां से निकली, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मेन जो किसी घटना के घटित या ना घटने की जो संभावना होती है, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है किसी भी घटना के या किसी इंसिडेंट के होने या ना होने की संभावना, होना या ना होना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक बहुत सरल शब्द में, होना या ना होना बटे टोटल, यानी कि कुल संभावना है, ये होती है किसी घटना के प्रोबेबिलिटी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर मैं आपको समझाऊंगा और चीजें देखते चलना। तो अच्छा, एक चीज और समझना है इस पर, ये केवल एक डेफिनेशन के तौर पर मैंने आपको बताया कि कोई भी घटना हो या ना हो वही क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी, मोटे मोटे शब्दों में। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देखिए कि किसी भी एग्जाम में, वन डे के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो या SSC से संबंधित हो या CDS का हो या NDA का हो या किसी का भी हो,
उस पर जो बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं डाइस पर सबसे ज्यादा आते हैं, पासिव के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, फिर सिक्के वाले सवाल आते हैं, फिर कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ताश की गड्डी वाले, फिर बॉल, कलर्स बॉल, हरी बॉल है चार, नीली बॉल है चार, ऐसी बॉल है, इन पर सवाल मिलता है। अल्फाबेट पर भी सवाल मिलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में से पांच स्वर में से तीन स्वर चुनने की प्रायिकता क्या हो सकती है। परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय और संचय पर भी सवाल आते हैं, और कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि परसेंट पर होते हैं। जैसे परसेंट पर सवाल कैसे आते हैं कि ए 80% सच बोलता है जबकि बी 70% सच बोलता है, तो दोनों के एक साथ एक ही प्रकार के वाक्यों को कहने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ एक क्वेश्चन आता है ध्यान से समझ में आता है, ठीक है, संभावना सेट काम में आएंगे। अरे बदतमीजी नहीं भाई, सारी बातें समझने का प्रयास करो दोस्त। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो फिर से मैं आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी, हम लोग आज यही चैप्टर पढ़ेंगे कि किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, एक एक चीजों को ध्यान से समझिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अगर मैं बोलूं किसी भी इवेंट के घटने या होने या ना होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, जो संभावना होगी वो क्या होगी, जैसे समझना किसी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता, होने या ना होने की जितनी भी संभावना होती है बटे में, उसके बाद कुल संभावनाएं मतलब कि जितने तरीकों से वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुल संभावना ये होती है किसी घटना की प्रायिकता कि कितने प्रकार से घटना हो सकती है नहीं हो सकती है बटे में कुल। ठीक है, मुझे पढ़ने में मस्त नहीं लगता, एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है सर उतना ही हमें दिक्कत हो रही है, क्या करें। अगर आपका मन अभी भी पढ़ने में नहीं लगता है तो आप अपने भविष्य के विषय में एक बार सोच लीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि माता पिता के विषय में सोच लीजिए, माता पिता के विषय में आप सोचोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। आप ये सोचो कि आज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका भविष्य क्या होने वाला है, अपने आज की स्थिति से अपने भविष्य की स्थिति को कंपेयर कर लेना, आपको सब कुछ दिखने लगेगा अपनी आंखों के सामने कि आपके साथ क्या होगा। कहता है ना कि आदमी भविष्य नहीं बता सकता है, यहाँ पर बताया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक आपके पास सिक्का है, क्वाइन है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, क्वाइन में कितने फेस होते हैं? बोले सर दो फेस होते हैं, एक हेड हो जाता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि इस सिक्के को जब उछाला गया, सोने वाला सिक्का नहीं है कि दोनों में एक ही तरीके का, ये सिक्का है जिसमें एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, अब अगर ये सिक्का उछाला गया तो एक बार हेड आने की संभावना क्या होगी? आप लिखोगे कि सर एक सिक्के में टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कितने फेस हो सकते हैं, तो आप नीचे लिखोगे हमेशा टोटल नंबर ऑफ फेस सिक्के के लिए, अब ऊपर क्या आना है, टेल आना है। तो एक सिक्के में अगर टेल की बात की जाए तो एक ही टेल होगा और फेस कितने होंगे, दो, तो टोटल संभावनाएं नीचे लिख दी गई, टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो वो ऊपर लिख दिया, यानी संभावना क्या बनी, 1/2। मेरे साथ आप भी उत्तर देते जाना कुछ चीजों को समझ कर, ठीक, 1/2। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता है उसका मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, यानी प्रायिकता जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 या 1 से छोटी, ये 1 से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। भाई किसी भी काम जो होता है वो 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या बनती है, 1। अब काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मान लीजिए आपको 4 रोटी खानी है तो या तो आप 4 रोटी खा लोगे या फिर 4 रोटी नहीं खा पाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 4 से ज्यादा रोटी खा लो, मेरी बात समझिएगा। तो यही बात मैं आपको यहां पे बताने की प्रयास कर रहा हूं कि प्रायिकता किसी भी घटना की कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है किसी भी इवेंट के जब अगर उसकी वैल्यू 1 है, इसमें 2 पार्ट हुए थे ना कि या तो 1 बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो ये 1 कब होगा, किसी भी इवेंट की प्रायिकता 1 कब होती है,
मतलब ये बात तब होती है जब उस घटना का घटित होना कंफर्म ही है, सर्टेन है घटना। जैसे जैसे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बर्बादी पक्की है, अगर नहीं पढ़े तो बर्बादी पक्की है। तो यहां पर अगर आपसे पूछी जाए कि बर्बादी ना पढ़ने पर बर्बादी के पक्का होने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहोगे सर जी 1 है। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म है, निश्चित है। ये क्या है? निश्चित है। मेरी बात समझ पाए हो? सर्टेन है, इसका होना तय है। अब दूसरी बात कि किसी भी घटना के एक से छोटे होने पर क्या होता है सर? तो सर इसमें बात यह आती है कि अगर हमने पढ़ लिया तो बर्बादी नहीं होगी, अगर नहीं पढ़ा तो बर्बादी होगी। यानी कि ये अनसर्टेन घटनाएं होती, ये निश्चित नहीं होती है। मतलब ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। मेरी बात समझे? आगे बढ़ता, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ना, ठीक। अच्छा, मन में ये प्रश्न जरूर आ गया होगा कि सर क्या किसी घटना के, क्या किसी इवेंट की जीरो प्रोबेबिलिटी हो सकती है? क्या किसी घटना की प्रायिकता जीरो हो सकती है? हो सकती है। कब हो सकती है? इतने को नोट करो, आगे बताते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता जीरो कब हो सकती है, ठीक है? हाँ, पहले ये नोट कर लो फिर बताते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना इसका, हटते हैं किनारे, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है, क्या सर किसी भी इवेंट की प्रायिकता जीरो हो सकती है? बोले सर हो सकती है। कब हो सकती है? जैसे एक गाना सुना है ना कि, या कभी जब दो लोग प्यार में होते हैं तो एक पक्ष ये दावा करता है कि तुम कहो तो चांद तारे तोड़कर ले आऊं। तो ये जो वादा किया गया ना कि चांद तारे तोड़कर ले आऊं, इसी की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि चांद तारे तोड़ना जो है वो इम्पॉसिबल काम है। तो मतलब हर एक ऐसा काम जो कि इम्पॉसिबल हो, क्या हो? इम्पॉसिबल हो, यानी कि वो संभव ना हो, ऐसे हर काम की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है, जीरो। वो काम हो ही नहीं सकता है तो जीरो प्रायिकता पे है। सर मैं आपके लिए जो है जमीन आसमान एक कर दूंगा, सर मैं केनिया पर कब्जा कर लूंगा, बाबू से झूठ बोल दिया, बाबू तुम कहो तो हम लोग घोड़े पे चलते हैं और केनिया पे कब्जा कर लेते हैं। इम्पॉसिबल है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो, ठीक। हाँ, वड़ा टूट जाता है सर। अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, चलने दो। दूसरा एक मेन पॉइंट अभी मैंने शायद आपको बोल दिया है कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी कैन नेवर एक्सीडेड बाय 1, प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती है। हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है? इसको भी आप लोग, हालांकि नोट्स बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो लेते रहना, वरना पीडीएफ तो दे देंगे। प्रायिकता कभी एक से बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मैंने आपको अभी पीछे बताया है, बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक। आगे समझना ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रायिकता को समझने वाली है। तो किस, अब आप मुझे बताओ किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर उसको डेफिनेशन की फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, किसी भी घटना की प्रायिकता को अगर मैं दर्शाना चाहूं तो यहां पर कैसे दर्शा सकता हूं, जल्दी से बताइए। और जिन बच्चों ने अभी तक यार क्लास शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, वो सो नहीं, क्लास सेशन शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये भी तुम मन से पढ़ना नहीं चाहोगे तो क्या ही पढ़ोगे, ठीक है? जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, क्या होगी किसी भी घटना की प्रायिकता? तो यहां पर लिखिए आप, नीचे जो आएगा वो हमेशा आप लिखोगे टोटल तरीकों से जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं, टोटल बेस, ठीक। और ऊपर लिखोगे जो भी शर्त दी जाएगी, शर्त का मतलब जो भी सवाल में लिखित होगा, उल्लिखित होगा, शर्त में दिए गए कॉम्बिनेशंस की संख्या जो होती है, कॉम्बिनेशन की संख्या। पूरे YouTube पर इस तरीके से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया है, देख लो, मेरा दावा सच ही रहता है। शर्त में दिए गए सभी कॉम्बिनेशन की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट
घटने की तरीके ही क्या कहलाते हैं, प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई, संभावना सेट बटे टोटल संभावना। एक बच्चा कह रहा है संदीप, कह रहे सर संभावना सेट बटे टोटल संभावना, वाह, नहीं नहीं वाह। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और समझना कि एक शब्द यहां पर बड़ा यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी के सवालों में। आपने देखा होगा इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम और हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या आप सभी को अभी तक ये पता था कि इसी को ऐसा बोला जाता है? यादृच्छिक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। इसका मतलब समझते हो क्या होता है यादृच्छिक का या रैंडम का मतलब? ये शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है, तो इसका बेसिक मीन क्या है ना, छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपको सिखाता चल रहा हूं, बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा, ठीक है? प्रयास करोगे तभी समझ में आएगा। जो भी नाम है आपका जतिन, ऐसे नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी है भाई। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी क्यों, सिर्फ आपको ये बताया है कि किसी काम के होने के टोटल आउटकम नीचे लिखे जाते हैं और फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखे जाते हैं, इतना ही बात प्रायिकता की है। यादृच्छिक का मतलब होता है, रैंडम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी घटना जिसका पूर्व अनुमान ना लगाया जा सके, घटना जिसका पूर्वानुमान यानी कि उसका भविष्यवाणी ना की जा सके, पूर्वानुमान ना लगा सके, उसे बोलते हैं यादृच्छिक यानी कि रैंडम। जैसे पिताजी ने बोला कि शांत हो जाओ नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, तो क्या अब आप इस बात का अनुमान या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि थप्पड़ पड़ेगा ही या नहीं पड़ेगा? या आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से समझो कि डाइस को रोल करना, रोलिंग डाइस, यानी कि आपने एक पासा फेंका, अब बताइए कि उस पासे में जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा? नहीं, अनुमान लगाया नहीं जा सकता इस बात का, एक आ जाए, दो आ जाए, छह आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आ सकता है? बोले यस सर। आपने कार्ड से गड्डी फेंट ली, कार्ड फेंट लिए, अब बोला गया कि रैंडम एक पत्ता निकालो, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो निकलने वाला पत्ता कौन सा होगा? बोले सर नहीं बता सकते, है ना? तो ये कार्ड, इस प्रकार के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब यादृच्छिक यानी कि रैंडम घटनाएं कहलाती हैं, जिनका प्रेडिक्टमेंट यानी कि अनुमान ना लगाया जा सके। अब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं यानी कि प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग। ये कौन सी घटनाएं होती है? बोले सर ये वो घटनाएं होती हैं जिनका अनुमान लगता है, जिनके विषय में बताया जा सकता है, ठीक है? ये आप चीजें नोट कर लीजिएगा, जिनके विषय में बताया जा सकता है। अब जैसे क्या बताया जा सकता है कि पंखा चल रहा है तो उसकी हवा नीचे आएगी, इस बात का 100% दावा किया जा सकता है। पंखा चला, उसकी हवा नीचे आएगी। कुएं से बाल्टी निकाली जाएगी तो बाल्टी को ऊपर की तरफ ही खींचा जाएगा, हवा में बॉल छोड़ी गई तो वो बॉल नीचे ही गिरेगी। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, जिनको बताया जा सकता है, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई? तो अब आप ये बताइए कि आप क्या अभी तक ये समझ पाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आप कहोगे हाँ सर, इन सारी बातों से हमें ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लिखा जाता है फेवरेबल आउट, एक बार और लिखे दे रहे हैं, फेवरेबल आउटकम यानी कि होने वाली सभी घटनाएं, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम यानी कि जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी की, ये प्रायिकता की कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने इससे पहले आपको बताई, इन सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग धीरे धीरे चीजों पर चलते हैं, ठीक है? बोल बम। चलिए अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस पर और चीजों को देखते हैं, ठीक? तो यहां के बाद हम लोग आते हैं डाइस के क्वेश्चन पर। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, डाइस से। अब डाइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डाइस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में कुल मिलाकर 6 फेस होते हैं एक पासे में। किसी भी डाइस के यानी कि एक पासे में कुल मिलाकर कितने फेस होते हैं, फलक कितनी होती है? 6। देखो तीन आपको हमेशा सामने दिखाई देंगी, 1, 2, 3, ये आपको हमेशा सामने दिखाई देंगी, और 3 इसके पीछे वाली। तो याद रखिएगा कि एक डाइस में हमेशा 6 फेस होते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस पर अगर मैं आपसे छोटा सा पूछूं और उस पर बात करूं तो देखना जरा। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है
जैसे मेरा प्रश्न यहां पर यह है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से समझना, किसी एक पासे को अगर फेंका गया, बहुत ध्यान से सुनना, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, उस पर ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, चलिए बताइए फटाक से। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, पहले ध्यान से बताइए कि किसी एक डाइस को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए फटाक से, बताओ फटाक से बताओ, और शेयर करो क्लास को भाई फटाक से, जल्दी से बताइए, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा प्रश्न है, देखिए किसका आंसर आता है, जल्दी बताइए। एक ललित कुमार जी कह रहे हैं जीरो है, ठीक है कोई बात नहीं, और बताओ भाई, एक डाइस अगर फेंका गया तो उस पर ऊपर की तरफ सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, एक बटे दो। अच्छा सुनना, हमने आपको बताया कि एक डाइस में कितने फेस होते हैं, कितनी संभावनाएं होंगी, छह। तो आप क्या लिखते हो प्रोबेबिलिटी के लिए, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे क्या लिखा जाता है, सर टोटल संभावनाएं। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी डाइस अगर आपने फेंका पासा, तो एक आ सकता है, दो तीन चार पांच छह, टोटल छह संभावनाएं बनेंगी कि एक से लेकर छह तक की कोई भी संख्या आ सकती है, ये टोटल संभावनाएं। लेकिन भाई साहब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थी सम संख्याएं। तो एक डाइस में कितनी सम संख्याएं होती हैं, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है, यही तो होती है सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं कितनी है, तीन। तो तीन बटे छह का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या बन जाएगी कि अगर सम संख्या ऊपर आए तो आप कहोगे सर एक बटे दो बनेगी, सभी का आया, कुछ बच्चे एक बटे तीन भी आंसर दे रहे हैं, एक बटे दो सही जवाब होगा, ठीक। अच्छा अगर मैं इसी में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बहुत ध्यान से समझना, कि दो पासे एक साथ फेंके गए, दो पासे फेंके गए, अब दो पासे फेंके गए तो कम से कम या ऐसे कह देते हैं सात योग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सात योग आने की संभावना क्या होगी। दो पासे फेंके जाने पर ऊपर की तरफ अंकों के योग के सात होने की संभावना क्या है, सेवन होने की, बताइए सात होने की क्या संभावना हो सकती। अब ध्यान से समझना, देखो एक पासे की जब बात होती है तो आपको पता है कि उसमें छह फेस होते हैं, छह फलक होती हैं छह फलक। अब इसी में अगर आपके पास हो गए दो पासे तो कितनी फलक हो जाएंगी, बोले सर दो पासे हो गए तो फलकों की संख्या हो जाएगी छह एक में यानी कि 12 फलक, यानी कि 6 × 36। तो आप जब अब नीचे लिखोगे ना टोटल पॉसिबिलिटी, तो कैसे लिखोगे जरा समझना, टोटल संभावनाएं कैसे लिखोगे जब पासे दो हो जाए, तीन हो जाए, 10 हो जाए, तो आप लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, एक पासे में कितने फलक होते हैं, बोले सर छह, और अब की बार कितने पासे उछाले गए, बोले सर दो, तो 6 × 6 = 36 होंगी टोटल संभावनाएं। योग कितना आना है, बोले सर सात आना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा सभी लोग, तो सात आने की क्या क्या संभावनाएं सकती है, हो सकता है पहले में एक आ जाए दूसरे में छह आ जाए, या पहले में छह आए दूसरे में एक आ जाए, पहले में दो आ सकता है दूसरे में पांच आ सकता है, योग सात बनेगा, या फिर हो सकता है पहले में पांच दूसरे में दो आ जाए, या पहले में तीन आ जाए दूसरे में चार आ जाए तो भी सात बनता है, या फिर यूं कह सकते हो चार और तीन बनेगा तो भी सात बनेगा, यस और नो, बोले हाँ सर। क्या इनके अलावा किसी भी अंकों का योग सात बन सकता है, बोले सर सात इसके अलावा तो नहीं दिख रहा है ना, इसके अलावा सात दिख रहा है क्या बनने के लिए, तो देखो एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि आपके पास 36 में से 6 संभावनाएं ऐसी आई जिनका योग 7 बनेगा, तो 6/36 का मतलब 1/6 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। तो आपने टोटल सीखा क्या इस चीज से, कि टोटल चीजें नीचे, टोटल संभावनाएं नीचे लिखी जाएंगी, और जितनी पॉसिबल है जो कि शर्त के अनुसार अनुकूल है उनको ऊपर लिखा जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, हाँ वेरी गुड, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। चलो आते हैं इसके पहले सवाल पर, देखिए ध्यान से और बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा पासे का, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया दबा के यार पहले तो शेयर करो, प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको करा रहा हूं, पहले दबा के लाइक और शेयर कर दो, फटाफट ठोंक डालो एकदम लाइक, ठीक है। साउंड आ रहा है, कुछ साउंड में दिक्कत है क्या, अभी सही है, देख के बताइए,
पहले तेजी से क्लास को शेयर करो यार, सब लोग पहले क्लास शेयर करो बहुत तेजी के साथ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यार सवाल आपके पास सामने, 1/6 बालक का उत्तर आ रहा है, ठीक है आइए देखिए। कह रहा है एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर क्या आ रहा है, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को फेंका गया, प्रायिकता निकालनी है 5 आने की, नीचे क्या लिखते हैं सर, टोटल संभावना है, कुल संभावना है। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना क्या होती है सर, 6, और आना क्या चाहिए सिर्फ 5। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में 5 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी सर, 1, यानी कि सवाल की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/6, ऑप्शन सी इज राइट। किसी का इसके अलावा और कोई उत्तर आया है, सी 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 सी, 1/1, 4/4, 1/2, कुछ भी लिख रहे हो बेटा, ललित कुमार क्या कर रहे हो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सही से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पेपर देने जाओगे तो फिर वहां पर ये ना हो कि सर अगर हम ये और पढ़ लेते तो अपना काम अच्छा हो जाता, ठीक है। अभी अगर सही से चीजें मिल रही हैं इतना अरेंज वे में, जिसको 6 घंटे 4 घंटे हमको लगते हैं बनाने में निकालने में, वो मैं तुमको अगर एक शॉर्ट समय में दे रहा हूं तो उसकी कीमत को समझो भाई, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर सम आने की संभावना क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 6। अब सम आने के लिए क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो सम संख्या कितनी होंगी आने के, बोले सर 3 होंगी। तो 3/6, और 3/6 का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/2। बोलो क्लियर है क्या, बोले हाँ सर क्लियर है, 1/2, ठीक है। सम यानी कि जोड़ने को बोले, अच्छा तो इतना तुम उसमें जोड़ने घटाने वाला काम क्या कर रहे हो। चलो अगला सवाल देखो, ये देखो कितना बढ़िया सा सवाल आ गया। कह रहा है दो पासे हैं, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की संभावना क्या होगी। अब की बार जो अंक आने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, चलिए बताइए। अब समझना ध्यान से, बहुत प्यार से इस चीज को, कि अगर दो पासे हैं और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों पासों पर अंक समान आए, तो एक पासे में कितने फलक, बोले सर 6, इसका मतलब दूसरे पासे में भी कितनी फलक होंगी, बोले सर 6, तो 6/6 टोटल संभावना है। अब समान अंक आएंगे, देखो अगर मान लो पहले पासे में 1 आ रहा है तो दूसरे में भी 1 आएगा, पहले में 2 आया तो दूसरे में भी 2 आएगा, पहले में 3 दूसरे में भी 3, पहले में 4 तो दूसरे में भी 4, पहले में 5 दूसरे में भी 5, पहले में 6 दूसरे में भी 6, तो समान अंक आने की संभावनाएं कितनी बनी, 3 बन गई सर यहां पर, और 3 ही बन गई यहां पर, यानी समान अंक आने की संभावनाएं बनी 6। अब 1/6 से 1/6 खत्म हो गया, यानी कि समान अंक आने की संभावनाएं होगी 1/6, कब, जब दो पासे एक साथ उछाले जाएंगे, कितने पासे, दो पासे एक साथ, 1/6, 1/3 नहीं गौतम संदीप, सुरेंद्र कुमार कितना होगा, 1/6, बिल्कुल सही जवाब है, जितने बच्चों का है। ये चीजों को समझो भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1/3 जिसने दिया है, थोड़ा सा कहीं चूक हो गई आपसे। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए अगला सवाल, अब देखिए इस सवाल पर कह रहा है कि दो पासे एक साथ फेंके गए तो योग के 8 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर दो पासे आपने एक साथ फेंके तो नीचे कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, 6/6 से 36, ठीक, कुल संभावना। अब योग 8 होने की संभावना कैसे हो सकती है, देखो कैसे हो सकती है, योग 8 हो सकता है, पहले पासे में 2 आ जाए दूसरे में 6 आ जाए, या इसका उल्टा, पहले में 6 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, यहां पर अगर 3 आ जाए पहले में दूसरे में 5 आ जाए, या इसका भी उल्टा, इसमें 5 आ जाए इसमें 3 आ जाए, या फिर यूं कह दो कि अगर इसमें 4 आ जाए और दूसरे में भी 4 आ जाए। याद रखना, फिर से बोल दे रहे हैं कि जब अंक समान होते हैं तो उनका विपरीत काउंट नहीं करते, अगर 4/4 आ रहा है तो दोबारा से 4/4 लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 1, 2, 3, 4 और 5, ऊपर 5 नीचे 36, तो आपका जवाब होगा 5/36 संभावनाएं होंगी, कितनी होंगी, 5/36, सवाल खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्लियर है। कितने लोगों का नहीं आया था, गुगली पड़ी थी, बताइए फटाफट से।
इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। कितने लोगों की गुगली हुई इसमें, ईमानदारी से बताना। कुछ बच्चे अभी शिल्पी पांडे 3/6 कह रही थी, फिर उन्होंने 1/2 भी कहा, धर्म सिंह जी ने 1/6 कहा, संतोष गुगे जी ने 5/6 आंसर दिया, लेकिन किसी का आंसर 5/36 नहीं आ रहा था। तो सही जवाब याद रखिएगा 5/36 होगा, ठीक है दोस्त। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे पास। जितने लोगों ने पहला पार्ट मिस किया है इसका, जो अभी मैंने इसका बेसिक बताया था, वो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, घर पर बेसिक जरूर पढ़ना, ठीक। आओ आगे देखो, एक पासे को, एक पासे को, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली होती है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी एक साथ जो सवाल रखे हैं वो पहले आपको डाइस के मिलेंगे, उसके बाद क्वाइंस के मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे कार्ड वाले सवाल, फिर आपको अल्फाबेट मिलेंगे। आपको 7 प्रकार के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस प्रोबेबिलिटी में, जो कि अभी तक किसी ने नहीं कराया यूट्यूब पर इस तरीके से, ठीक। फेंकने पर विषम अंक आने की, तो एक पासा फेंका गया, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती, बोले सर 6। अब विषम अंक पर आने की, तो विषम अंक 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक पासे में, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। कितने हैं विषम अंक, बोले सर 3 है, तो ऊपर 3 नीचे 6, यानी कि क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, 1/2। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 1/2 सभी का आया था, उपेंद्र, कुंदन, आशु, सूरज, ठीक। नेक्स्ट आओ, चलो देखो ये सवाल देखिए। अब की बार है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग 7 प्राप्त करने की संभावनाएं क्या होंगी। दो पासे फेंकने हैं और एक साथ फेंकने पर 7 प्राप्त करना है, तो इसकी संभावना क्या होगी, ध्यान से देखिए। दो पासे फेंकने पर कुल संभावनाएं क्या बनेगी मित्र, तो आप कहोगे सर पहले फलक में 6 फेस, दूसरे में भी 6, यानी टोटल संभावना है 6 की घात 2। अब योग प्राप्त करना है 7, कैसे निकल सकता है। देखिए पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तो 7 बन जाएगा, या ठीक इसका उल्टा हो जाए कि 6 और 1 आ जाए तो भी 7 हो जाएगा, या फिर दूसरे पासे में 2, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या इसका उल्टा, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए तो भी 7 हो जाएगा, या फिर कह सकते हो पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, या पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए तो भी बन जाएगा। तो कितनी संभावनाएं बनी अंकों का योग 7 होने की, बोले सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। तो 6/36 का मतलब क्या मिलेगा दोस्त, 1/6, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कितने बच्चों का आया था सर ये, फटाक से जल्दी से आज 200 की संख्या को क्रॉस करना है, तो पहले दबा कर शेयर कर दो, आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर होंगे, और उनके साथ साथ जो उसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है ना, मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। तो पहले क्लास को दबा के शेयर करिए, 150 क्रॉस कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया, 200 आज क्रॉस होना चाहिए। चलिए देखिए, अब की बार योग 9 प्राप्त करना है, जैसे पिछली बार 7 प्राप्त किया है, अब की बार 9 प्राप्त करना है एक पासे को 2 बार फेंकने पर। अच्छा इसमें क्या होता है ना, कभी कई बार होता है कि बच्चों में इसको लेकर बड़ी संशय हो जाता है, सर आपने ये तो बताया कि दो पासे अगर एक बार एक साथ उछाले जाए, दो पासे, तो उसमें टोटल संभावनाएं 36 होती हैं, लेकिन सर क्या अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी। भैया मेरी बात समझना, आप एक पासे को पहले 1 बार फेंको तो कितनी संभावनाएं बनेंगी सर, 6, और दूसरी बार फेंक दोगे तो भी तो 6 ही बनेंगी, यानी इसमें भी कुल संभावनाएं कितनी बनने वाली है मित्र, इसमें भी कुल संभावनाएं 36 ही बनेगी, ठीक है। अच्छा अब योग 9 प्राप्त करना है, 9 कब कब प्राप्त हो सकता है, कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है बताइए। हो सकता है 9 प्राप्त करने के लिए कि पहली बार में 3 आ जाए, दूसरी बार में 6 आ जाए, या पहली बार में 6 आ जाए, दूसरी बार में 3 आ जाए, या फिर पहली बार में 4 आ जाए, दूसरी बार में 5 आ जाए, या पहली बार में 5 आ जाए, दूसरी बार में 4 आ जाए। इसके अलावा कोई संभावनाएं बनेंगी नहीं जिसमें अंकों का योग 9 हो, कुछ नहीं बन सकता इसके अलावा। तो अगर नहीं बनेगा, टोटल संभावनाएं कितनी बनती है, देखिए सर 4, और 4/36 का मतलब 1/9, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कुछ बच्चे 1/4 उत्तर भी दे रहे हैं और कुछ ने 1/6 आंसर भी दे रखा है। सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सिचुएशन को देखते हुए एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर भिन्न भिन्न तरीकों से दिए हुए हैं। जितने बच्चों ने सेशन शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, पहले तो एकदम गर्राबे काट दो, गदर काट दो, शेयर कर दो,
सभी तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1/12 भी होगा, कुछ ने कहा सर डी आया, 36 कहां से आया, 36 ऐसे आया है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो सही जवाब 1/9 होगा। जितने लोगों का है उनको मुबारक, जिनको नहीं आया वो दोबारा से देख लो, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखो ध्यान से, कितना बढ़िया सा प्रश्न है ये, थोड़ा सा बड़ा भी करना होगा इसको क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसको देखिए, पढ़िए कितना बढ़िया प्रश्न है। अब की बार फिर से 2 पासों को एक साथ फेंका गया, योग क्या होना चाहिए, या तो 10 हो या 11 हो, 10 या 11। इस या का क्या इस्तेमाल होगा मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप आंसर दो कि क्या आंसर आएगा इसकी, फटाक से आंसर दो। लूडो में 7 नहीं आता है, बस यही तो उनको समझाना है कि 7 नहीं आता है उसमें, 1 से लेकर 6 ही तो अंक होते हैं लूडो के पास में। किसी के पास ऐसा पासा है क्या जिसमें 7 भी आता हो? चलो इस सवाल का पहले उत्तर दो। एक पूछ रहे हैं एसके ठाकुर जी की 36 कहां से आया, एक पासे में 6 फेस होते हैं, 2 बार उछाला गया, 6 × 6 = 36 आ गया। शुरुआत से क्लास को देखना एक बार, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आइए देखिए इस सवाल को। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 10 या 11 प्राप्त करने की संभावना क्या है? 2 पासे फेंके गए, ध्यान से सुनना, 1 पासे में 6 फलक होती हैं और 2 पासे फेंके गए, तो नीचे कुल संभावनाएं इसमें भी कितनी बनेंगी? 36। अब योग 10 भी होना चाहिए या फिर 11, तो 10 कैसे बन सकता है, गौर से समझना, 10 कैसे बन सकता है? या 6 आ जाए 4 आ जाए तो मिलकर 10 हो जाएगा, या 4 आ जाए 6 आ जाए तो 10 हो सकता है। इसके अलावा 10 होने की कोई संभावना तो हो नहीं सकती, यहां पर हो सकती है, बोले सर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो 10 योग के 10 होने की कुल संभावना कितनी बनी? 1, 2। अब योग के 11 होने की संभावना क्या बनेगी सर? 1 बार में 6 आ जाए, 1 बार में 5 आ जाए, या 1 बार में 5 आ जाए, 2 बार में 6 आ जाए। अच्छा, 10 होने की एक संभावना और बन सकती है कि सर दोनों में 5-5 आ जाए तो भी 10 हो सकता है। तो 10 होने की कुल कितनी संभावनाएं बनी सर? 10 होने की कुल 3 संभावनाएं हैं योग के, और सर 11 होने के 2 संभावनाएं, तो टोटल कितनी बनी? 3 और 2, 5। अच्छा, बीच में लिखा था या का मतलब इसकी 3 संभावनाएं प्लस इसकी 2 संभावनाएं, यानी टोटल 5 संभावनाएं, तो 5 संभावनाएं हो जाएंगी, तो आंसर क्या बन जाएगा? 5/36 क्या बनेगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर बना 5/36। कितने बच्चों का आया था ऑप्शन नंबर डी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। कितने बच्चों का आया डी आंसर? गौतम सिंह का आया, बहुत बढ़िया। 5 और भी तो होगा नहीं, जब वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब अंक सेम होते हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक पासे में 5 आया और दूसरे में भी 5 आया, तो इसको आप दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि ये सिमेट्री बन जाती है, ठीक। इसको दोबारा लिखने की, काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए। एक साथ 2 पासे फेंके गए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के सम होने की संभावना क्या होगी? बहुत प्यारा सवाल आ गया। एक साथ 2 पासे फेंके गए तो कुल संभावनाएं 2 पासों को फेंकने पर कितनी बनती है सर? 36, 6 की पावर 2। अब यहां पर मेन मुद्दा जो है उसको समझना कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के सम होने की संभावना क्या है, सम कब हो सकते हैं, गौर से समझो। एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरे में भी क्या अंक मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब गुणनफल अगर सम होगा तो क्या संभावनाएं होंगी, गौर से समझना। अगर मान लो पहले पासे में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए तो गुणनफल सम होगा, 1 आए दूसरे में 4 आ जाए तो सम होगा, पहले में 1 आए दूसरे में 6 आ जाए तो इनका गुणनफल सम होगा, यानी पहले के विषम से दूसरे के सम का गुणा किया गया तो हमें योगफल सम मिलेगा, बोलो हाँ या ना, गुणनफल सम मिलेगा। इसका मतलब 1 का गुणा अगर हम सम संख्या में करते हैं तो हमें गुणनफल सम मिलता है, बोलो हाँ या ना, यस और नो।
एक का क्या, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी विषम संख्या का गुणा अगर हम सम संख्या से करते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है। मेरी ये बात समझ पाना ध्यान से, ठीक। तो यहां पर विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी, पहले उसमें देखो, एक, दो और तीन। अगर एक विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो हमको तीन ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिनका गुणनफल सम आ रहा है, तीन। तो तीन विषम संख्याओं का गुणा अगर हम करेंगे तो तीन त्रिका नौ हमको सम मिलेंगे। ये विषम संख्याओं पर बात थी। अब जरा सम संख्या का हिसाब किताब देखो। अगर मैं दो का गुणा इनमें से किसी में भी कर दूं, किसी में भी दो का गुणा इनमें से किसी में भी कर दूं, तो जो गुणनफल होगा वो तो सम ही रहेगा। कहने का मतलब कि अगर मैं सम संख्या का गुणनफल सम संख्या से करता हूं तो जो गुणनफल मिलेगा वो तो सम ही मिलेगा। और सम संख्याएं कितनी है, एक, दो, तीन। एक सम संख्या से हमको छह रिजल्ट मिलते हैं तो तीन सम संख्या से कितने मिलेंगे, बोले सर 18 रिजल्ट। नौ ये, 18 ये, 18 और 9 27, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 9 23 27, 9 4 36, 3/4 क्या मिलेगी, 3/4। कहीं ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत गजब का इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो इस सवाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आ गया भाई है, ठीक है। 3/4 इस बात का सही उत्तर है। 200 आज पार करना है भाई, संख्या को 200 प्लस लेकर जाना है, तेजी से शेयर करिए सभी को। अगला सवाल देखिए, 3/4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पासे उछाले जाते हैं योग के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, कि अगर उनका योग अभाज्य संख्या हो तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। दो पासे उछाले जाने पर योग के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या बनेगी। देखे हुए ऐसे सवाल, हाँ। अब ध्यान से समझिएगा, ये होता है ना कि जब चीज आप समझना नहीं चाहते हो सकता है कुछ बच्चों को दोबारा देखे बिना समझ ना आए, तो उनसे तो पहला तो यही कहना कि दोबारा देख लेना, हर्ज कोई नहीं है, परीक्षा पास में है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज होती है समझने की नियत रखना। आपके मन में एक ख्याल ये है कि यार मुझे अभी वहां भी जाना है, ये भी करना है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है इन सब चीजों से। कंसंट्रेट होकर फुल फोकस बना के पढ़ोगे तो सारी चीजें आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो ना है, ठीक है। चलो, दो पासे उछाले जाते हैं योग के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। सुनिए, दो पासे उछाले गए तो टोटल संभावनाएं 36 होंगी, ये बात तो समझ में आ जाएगी, अभी तक इतनी बार से यही समझते चल रहे हैं। अब योग के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, अभाज्य संख्याएं कहां तक मिलेंगी, दो, दो पासों में जोड़ जाड़ कर अगर हम देखते हैं तो भी, क्योंकि लिखा है ना योग के, दो मिल सकती है, तीन मिल सकता है, पांच मिल सकता है, सात मिल सकता है, 11 मिल सकता है, 13 नहीं मिल सकता, क्योंकि 13 के लिए एक 7 और एक 6 होना चाहिए, और डाइस में टोटल अंक ही 6 होते हैं, फेस ही 6 होते हैं। तो अब 2 3 5 7 11 इसको होने के लिए योग, ये प्राप्त करने के लिए क्या क्या हो सकता है। देखो, दो प्राप्त करने के लिए योग क्या क्या होगा, एक और एक का ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। योग को तीन प्राप्त करना है, अगर आपको दो में तीन प्राप्त करना है तो क्या हो सकता है, या तो दो और एक हो सकता है, या तो एक और दो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यस और नो का जवाब दीजिए, ठीक। अगर पांच प्राप्त करना है दो पासों से, योग अगर पांच प्राप्त करना है अभाज्य संख्या, तो क्या क्या हो सकता है, एक 4 हो सकता है, पांच के लिए 4 1 हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 और 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 5 इसके अलावा किन्हीं और से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर सकते हो, नहीं। 7 प्राप्त करने के लिए, सर 1 और 6 हो सकता है, 7 को, सर 6 और 1 हो जाएगा, 2 और 5 हो सकता है, 5 और 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो जाएगा, इसके अलावा 7 भी और कहीं से नहीं मिल सकता है। 11 योग प्राप्त करने के लिए 5 और 6 हो सकता है, और 6 और 5 हो सकता है, इसके अलावा ये भी नहीं होगा। अब देखो टोटल कितनी संभावनाएं बनी है कि योग जो है अगर अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो योग के अभाज्य होने के लिए देखो कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, यानी कि 36 में से 15 ऐसी संभावनाएं होंगी जब योग को अगर जोड़े तो जो योग आएगा वो अभाज्य संख्या होगी, 15 ऐसी संभावनाएं। तो 3 से काटिए 5 बार और 3 से काटिए 12 बार, तो आंसर क्या बन जाएगा? 5/12, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्लियर है? 5/12 राहुल कुमार जाटव का आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा, 5/12 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 5/36 नहीं, 5/12 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5/12। ठीक, आपको समझ आया होगा ये बेहतरीन तरीके से। और बताइए, अगर जिसको अगर कोई समस्या हुई तो मैं दोबारा से बता दूंगा, किसी को अगर कोई समस्या हुई इस सवाल में तो बताइए, मैं दोबारा से बोलता हूं। ठीक है, पांच बटे बारह। ठीक दोस्त, आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। हालांकि मैं लाया तो बहुत सारे था, लेकिन क्योंकि क्लास भी देर से शुरू हुई और समय का अभाव था, अभी अगली क्लास होनी है, तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल भी मैं आपको चीजें पढ़ा दूं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कल आपसे फिर से 4 बजे मुलाकात होगी प्रोबेबिलिटी के पार्ट 2 के साथ, जिसमें आज मैं डाइस के क्वेश्चन करा रहा हूं, कल डाइस के बाद क्वाइन के कराऊंगा, क्वाइन के बाद कार्ड वाले कराऊंगा, कार्ड के बाद अल्फाबेट कराऊंगा, अल्फाबेट के बाद बॉल्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी बनते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको परेशान नहीं करेगी एग्जाम में, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक, चलिए अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से क्लासेस पढ़ते रहिए।